ये क्या कर रही थी तुम? क्या कर रही थी? हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा रही थी तुम? एक पल के लिए तुमने ये नहीं सोचा इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मेरा क्या होगा? सोनी, मैं जानता हूँ इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुम्हें किस बात ने मजबूर किया था। मैं जानता हूँ उस हादसे ने ना सिर्फ तुम्हारे शरीर को जलाया है बल्कि तुम्हारी जीने की ख्वाहिश को भी जला दिया है। लेकिन गलती मेरी है, मैं आज तक तुम्हारे अंदर जीने की ख्वाहिश नहीं जगा पाया। कमी तुम में नहीं सोनी, कमी मुझ में है, मेरी कोशिशों में है, कमी मेरी समझ में है। शायद इसीलिए तुम्हारे दुख के दर्द को मैं वहां तक महसूस नहीं कर पाया जहां तक मुझे करना चाहिए था। लेकिन सोनी, मेरी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। सोनी, अपनी जान लेकर तुम मुझे जीते जी मत मारो। अब यह सब करने का कोई फायदा नहीं है सोनी, मैं इसे हजार चोटें सह सकता हूं पर जो तुम करने वाली थी वो मैं कभी नहीं सह सकता। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। सोनी, तुम अपनी जान देने चली थी, तुमने एक पल के लिए यह नहीं सोचा तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा। अब मैं तुम्हें समझने की कोई गलती नहीं करूंगा। मैं तुम्हें वादा करता हूं अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगा। तुम्हारी चेहरे की उदासी का एक एक कतरा मैं अपनी पलकों से पोछूंगा। लेकिन कभी मुझे छोड़कर मत जाना सोनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता सोनी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मैं क्या जी, फोन करके पता तो करो जीते हैं कहां। मैं जीता भी ना, पता नहीं अचानक कहां चला गया। पहले सोनी गई, अब जीता चला गया। जीते? जीत पुत्र? जीते पुत्र तू कहां चला गया था? हा? हम पहले सोने की फिक्र में बेहाल है, तू इतनी रात को कहां चला गया था? पुलिस ढूंढ लेगी ना सोने को, तुझे क्या लगता है तू अच्छी तरह सोने को ढूंढेगा? देख, तू अभी अभी हॉस्पिटल से आया पुत्र, तेरे माथे पे खून बह रहा है, जा आराम कर पुत्र, पुलिस ढूंढ के ले आएगी सोने को। सोनी, तो कहां चली गई थी? ऐसे भी कोई घर से जाता है? रब का शुक्र है तू बिल्कुल सही सलामत आ गई। कितनी टेंशन हो गई थी हमें, पता तुझे? सवेरे से सोनी सोनी नाम की माला जप रहा था। आ गई ना सोनी, खामखा फिक्र कर दे। हाय रब्बा, ये मर जानी तो फिर वापिस आ गई। अब मैं चेरी को क्या जवाब दूंगी? अब तो उसने मेरा जीना और भी हराम कर देना है। अरे रब्बा, हुन मैं की करा? शर्म आनी चाहिए आपको मम्मी जी, इतना सा भी काम नहीं हुआ आपसे। आपने तो सीना ठोक कर बोला था ना कि सोनी मुंह काला करके घर छोड़कर चली गई है, तो फिर अब क्या हुआ बोलिए? ये जीत पता नहीं कहां कहां से ढूंढ के सोनी को वापस ले आया, वरना वो मनहूस तो हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी।
जो हमेशा के लिए चले जाते हैं ना मम्मी जी, उन्हें कोई भी ढूंढकर वापस नहीं ला सकता, समझिए आप। लेकिन सच बात तो यह है कि आपका अपने बेटे के ऊपर पहले जैसा कंट्रोल रहा ही नहीं। पहले आपका अपने घर के ऊपर इतना रोब हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया? अब तो आपकी ऐसी नौबत आ गई है मम्मी जी कि आप सोनी जैसी बेसहारा कमजोर लड़की को ठिकाने नहीं लगा पा रही। पहले आपने उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर उसकी बहन ने उसे बचा लिया, और आज आपके बेटे ने उसे बचा लिया। क्यों मम्मी जी क्यों? आप इतना होशियार बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाती आप मम्मी जी, कुछ भी नहीं। इस बार मम्मी जी आपने ही मुझे मजबूर किया है कि मैं पुलिस के पास जाऊं, आपकी टेप दूं और आपकी पोल खोल दूं, और फिर बैठकर आपका तमाशा देखूं। नहीं चेरी नहीं, पुलिस में ये कैसेट मत देना, मुझे बस एक मौका और दे दे। शट अप। कितने मौके दिए हैं मैंने आपको मम्मी जी, कितने सारे। एक और मौका देने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। एक्चुअली मम्मी जी, आपने कभी इस मामले को सीरियसली लिया ही नहीं, लेकिन अब इसका जो नतीजा होगा वो आपको भुगतना होगा। सोनी के साथ जो मैं करने वाली हूँ वो तो होगा ही मम्मी जी, लेकिन उससे पहले मैं आपका जीना हराम कर दूंगी। अब देखना, आपको एक्चुअली अब तक मेरी बात समझ नहीं आई। आपको लगता है कि मैं आपको और आपकी फैमिली को कुछ नहीं करूंगी, लेकिन अब आप देखना मम्मी जी, मैं आपको और आपके खुराना खानदान को बर्बाद करके रख दूंगी, बर्बाद करके रख दूंगी। तुम मुझसे ऐसा क्यों बोल रही है चेरी? मैं रब की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने अपनी जी जान लगा दी थी सोनी को घर से निकालने के लिए, लेकिन वो मनहूस तो। चलो मान लिया, फिलहाल मान लिया कि आपने पूरी कोशिश की थी, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं, और ना ही आपसे होगा मम्मी जी। बस चेरी, बस बस, अब आपको और शेकी मारने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको वही करना होगा जो मैं आपसे कराऊंगी मम्मी जी, और याद रखना, अगर आपकी वजह से मेरे प्लान में थोड़ी सी भी मम्मी जी थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई ना, तो मैं सोनी से पहले आपको बर्बाद करके रख दूंगी। ये वादा है चेरी का। ठीक है चेरी, तो तू ही बता मुझे क्या करना है। आज लोढ़ी की रात है ना मम्मी जी, तो आज मैं इस मामले को जड़ से ही खत्म कर दूंगी। तू क्या करने वाली है चेरी? ये आपको जानने की जरूरत नहीं है मम्मी जी, आप अपना दिमाग लगाना बंद कीजिए। आप बस उतना ही करिए जितना मैं आपसे कहूं, और याद रखना, अगर इस बार मेरे काम में कोई भी अड़चन आई तो आपका क्या हाल होगा ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। आज की लोहड़ी आपके लिए, मेरे लिए, जीत के लिए और सोनी के लिए सबसे ज्यादा यादगार लोहड़ी होने वाली है मम्मी जी, क्योंकि आज मैं जीत की जिंदगी की किताब से सोनी नाम का पन्ना हमेशा के लिए फाड़ देने वाली हूं, और उस किताब पर मैं लिखूंगी मिसेस चेरी खुराना। प्यारा है ना सूट का कलर? बहुत प्यारा है, इससे तो प्यारे हमारे भाई साहब का प्यार है जो तुम्हारे लिए लिया है। ऐसा प्यार तो ये मुझे हर दूसरे महीने दिखाते ही रहते हैं। हाँ? भाई मजाल है, मार्केट में कोई नया सूट आया और मेरे लिए ना आए? तो त्योहार वाले दिन तो मेरे लिए तोहफा आना ही था। और नहीं तो क्या बहन जी, तोहफे से ही तो पता चलता है बंदा अपनी वोटी को कितना पसंद करता है, कितना प्यार करता है ना। भाई बंदा प्यार करे या ना करे, लेकिन रिश्वत देके, मेरा मतलब है सूट देके, गिफ्ट देके अपना प्यार तो जता ही सकता है ना। भाई साहब आप भी कमाल का मजाक करते हैं, लेकिन बहन जी के लिए जो लाए हैं बहुत अच्छी चीज लाए हैं आप। क्यों ना हो,
लोहड़ी है ऐसा त्योहार कि बंदा जिसके लिए जैसा महसूस करता है वो सब कुछ सामने आ जाता है, चाहे वो तोहफे के रूप में क्यों ना हो, है ना? काम्या, काम्या है क्या यहाँ पर? अंगद, अंगद मैं यहाँ पर हूँ। हैप्पी लोहड़ी काम्या। हैप्पी लोहड़ी अंगद। काम्या बुरा मत मानना प्लीज, वैसे मेरा कोई हक तो नहीं बनता था, फिर भी लोहड़ी के मौके पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। इसे मेरा थैंक्स समझकर कबूल कर लेना काम्या। अंगद, अंगद, इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू। पता नहीं तुम्हें किसका कलर पसंद आया भी होगा या नहीं, मेरे लिए तो सारे कलर सब एक ही रंग के हो चुके हैं, अंधेरे के रंग के। फिर भी मैंने इसे छू कर देखा तो मुझे अच्छा लगा। आई होप कि तुम्हें भी अच्छा लगे काम्या। नो अंगद, इट्स लवली। अब शतपुत्र, तू हमारी माही के लिए कुछ नहीं ला? हाँ मैं लाया हूं। वो चाय बन गई होगी, मैं देख कर आती हूँ। बेटा अपना गिफ्ट तो देख कर जा। सपना और मैं सिर्फ दोस्त है, तुम्हें तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अगर मुझे गलतफहमी हो रही है तो ये क्या है शब, ये सारी तस्वीरें क्या हैं? थैंक्स माही पुत्र। माही चाय रहने दे बेटा, गैस बंद करके आ जाना। मैंने पूरी कोशिश की थी मम्मी जी, सौरभ थी, मैं तो यहां से बहुत दूर जा चुकी थी, लेकिन पता नहीं। बस बहाने मत बना मनहूस, मत ले मेरे बेटे का नाम। तू जानबूझकर वहां गई होगी जहां तुझे पता होगा कि जीत तुझे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच ही जाएगा। सोनी पुत्र, अब छोटी सी बात के लिए तुझे घर छोड़कर जाने की जरूरत क्या थी पुत्र? हाँ, अब तुझे घर छोड़ते वक्त हम लोग का ख्याल नहीं आया कि हम पर क्या गुजरेगी? हमारी तो छोड़ पुत्र, कम से कम तुझे जीत का तो ख्याल आना चाहिए था ना कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी।
देखना चीत बेटा, मैं कब से इसे समझा रही हूँ कि छोटी छोटी बात पर बड़े घर की बहू बेटियां घर छोड़कर नहीं जाती। पुत्र पूछना इससे हमसे क्या गलती होगी। ऐसा कुछ नहीं है मामा, अब छोड़ना इस बात को, भूल जाओ मामा जो कुछ भी हुआ, मैं अब इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। ठीक है पुत्र, जैसे तेरी मर्जी, लेकिन देख मेरी सोनी पुत्र का बहुत ख्याल रखना, छोटी से छोटी बात भी इसके दिल को ठेस पहुंचा सकती है। आज लोड़ी है, तुम लोग तैयार हो जाओ। मामा का बुरा मत मानना। क्या हुआ, तुम चुप क्यों? कुछ नहीं। चलो लोहड़ी की तैयारी करते हैं। ओ गॉड, क्या करना चाहिए मुझे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब, 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 ये मिठाई का बॉक्स कहाँ रखूं? किचन में रख दो। जी साहब। शब्द, शब्द ये सब क्या है? माही और तुम्हारे बीच में ये कैसी टेंशन है? कुछ वक्त से माही मुझसे भी ठीक से बात नहीं कर रही है, मुझे लगता है वो मुझे अवॉइड कर रही है। कहीं माही को कुछ पता तो नहीं चल गया? पता नहीं सपना, लेकिन उसके मन में जरूर कोई बात आ गई है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसके बारे में। अरे वो मेरी पत्नी है, मैं कुछ भी छुपाता हूँ तो उसे फौरन पता चल जाता है। कब तक छुपाऊंगा उससे ये सब? नहीं सपना, मैं अब नहीं छुपा सकता ये सब, मुझे सब कुछ बता देना होगा उसे, सब कुछ। ये तुम क्या कह रहे हो शब्द, तुम होश में तो हो? अगर माही को कुछ भी पता चल गया तो जानते हो उसका क्या हाल होगा? सपना, तुम्हारे पास फोटोग्राफ देखने के बाद उसे ऑलरेडी शक हो चुका है। कितनी बार सवाल कर चुकी है मुझसे, लेकिन मैं जवाब ही नहीं दे पाया। ठीक किया तुमने, कम से कम शक में कोई ना कोई गुंजाइश जरूर होती है, लेकिन अगर उसे सच पता चल गया तो क्या सपना? एटलीस्ट इस गिल्ट से तो बच जाऊंगा जो बार बार कांटे की तरह मेरे दिल में चुभ रहा है कि मैं माही का भरोसा तोड़ रहा हूँ। और कहीं उसे ये बात बाहर से पता चल गई, किसी और ने बता दिया, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं सपना, मुझे उसे सच बताना ही पड़ेगा। पागल मत बनो शब्द, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सच जानकर माही तुम्हारी तारीफ करेगी? नहीं शब्द, तुम्हारा ये सच माही का भरोसा तोड़ देगा। मैं खुद एक औरत हूँ और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि दुनिया की कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके पति का किसी और औरत से बच्चा हो। अगर तुम्हें माही की जरा भी परवाह है तो उसके सामने इस बात का जिक्र भी मत करना। शब्द, अगर माही के मन में कोई शक भी है तो जब तक तुम और मैं उसे कुछ नहीं बताएंगे तब तक उसका शक यकीन में नहीं बदल सकता। मैं खुद उसे ये यकीन दिलाऊंगी कि उसका ये शक बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर तुम्हें माही की जरा भी परवाह है तो उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि राहुल तुम्हारा और मेरा बेटा है, वरना वो Thank you.
ये सब क्या है शब्द? राहुल तुम्हारा और सपना का बेटा है?